Good morning all. This is a class on Indian polity. In the first class, we studied about what is constitution, about the Constituent Assembly that drafted India's constitution, about an overview of Indian constitution, amendment to the constitution and its basic structure. Today, we'll be covering the silent features of Indian constitution and preamble. So we'll be starting with salient features of Indian constitution. Indian constitution, though it has been borrowed from various sources, बहुत सारे countries के बहुत सारे provisions को हमने इस constitution में लिया है, लेकिन that doesn't mean कि it does not has distinguishable features. That there are various features that make it different from the constitution of other countries. So we'll be studying all those features today. So the very first feature is lengthiest constitution written. इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज द लेंथिएस्ट कॉन्स्टिट्यूशन इन द वर्ल्ड. ये इसलिए है क्योंकि बहुत सारे कंट्रीज के प्रोविजंस को हमने लेके एक जगह कॉपी पेस्ट टाइप कर दिया है, जिसकी वजह से इसकी जो लेंथ है वो बहुत लंबी हो गई. इनफैक्ट इट इज द मोस्ट लेंथिएस्ट कॉन्स्टिट्यूशन इन द वर्ल्ड. अगर हम 2013 में देखें इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, तो इट इज 465 आर्टिकल्स, 25 पार्ट्स and 12 schedules. Originally जब हमारा constitution बना था तब इसमें इतने articles नहीं थे, उसमें 395 articles थे और 22 parts थे और 8 schedules थे. लेकिन with time जैसे amendment होते गए तो number of articles increase हुए हैं. किसी भी world में ऐसा कोई भी constitution नहीं है जिसमें इतने articles और schedules हों. अब हम देखते हैं कि कौन से फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इतना लेंथी है. फर्स्ट फीचर जो है वो इसलिए है ज्योग्राफिकल फैक्टर्स. जो इंडिया है वो बहुत वास्ट कंट्री है, उसका ज्योग्राफिकल एरिया इतना ज्यादा है. ड्यू टू वास्ट टेरिटरी ऑफ द कंट्री द कॉन्स्टिट्यूशन इज वेरी बिग. सेकेंड इज हिस्टोरिकल फैक्टर्स. इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का जो मेन फीचर्स हैं वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से लिए गए हैं, जो कि खुद एक बहुत बड़ा बल्की डॉक्यूमेंट था. और 1935 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ही एक बेस था जिसने कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने में हेल्प की. इसकी वजह से भी ये बहुत लेंथी है. जो नेक्स्ट है वो क्या है, देयर इज अ सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन. सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन फॉर बोथ द सेंटर एंड द स्टेट. तो सेंटर और स्टेट्स दोनों के प्रोविजंस हो, उन सबको एडजस्ट करने की वजह से भी इसकी जो लेंथ है वो बहुत ज्यादा हो गई है. नेक्स्ट इज लीगल ल्यूमिनरीज इन द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली. जैसा कि हमने जब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली पढ़ा था तो हमने देखा था, इस बात के लिए कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को क्रिटिसाइज भी किया गया था कि देर इज एन ओवर डोमिनेंस ऑफ लीगल ल्यूमिनरीज और लॉ मेकर्स इन दैट कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली. उन्हीं की लीगल नॉलेज की वजह से भी हमारा जो डॉक्यूमेंट है वो बहुत बड़ा हो गया है. इसमें बस गवर्नेंस के फीचर्स ही नहीं दिए गए कॉन्स्टिट्यूशन में, इट इज ऑल्सो गिवन हाउ टू एडमिनिस्टर द कंट्री. वो प्रोसेस और वो सब बताए गए हैं जिसकी वजह से द कॉन्स्टिट्यूशन हैज बिकम टू लेंथी. सो बीइंग वन ऑफ द मोस्ट लेंथीस्ट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द वर्ल्ड इज अ यूनिक फीचर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. नाउ द नेक्स्ट फीचर इज ड्रॉन फ्रॉम वेरियस सोर्सेज. द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन फ्रॉम has been drawn from various sources across the world. हम देखते हैं कैसे. सबसे पहले तो हम देखते हैं कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के मेन तीन पार्ट हैं. फर्स्ट इज स्ट्रक्चरल पार्ट. सेकेंड इज फिलोसॉफिकल पार्ट. एंड द थर्ड इज पॉलिटिकल. जो स्ट्रक्चरल पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है वो टू अ लार्ज एक्सटेंट इट हैज बीन बोरोड फ्रॉम द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935. इट एक्टेड एज अ बेस
जहां से कॉन्स्टिट्यूशन हमारा पूरा बनाया गया है. द फिलोसॉफिकल पार्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन विच कंसिस्ट मेनली ऑफ फंडामेंटल राइट्स एंड द डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी these they draw their inspiration from the American and the Irish constitutions and the political part of the constitution jo ye batata hai ki country ka administration kaise hoga which discusses the executive powers of the state and the center and how the governance will be carried out distribution of powers between executive legislature and the judiciary it has largely been drawn from the British constitution. तो हम देख सकते हैं कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो कैसे वेरियस वेरियस सोर्सेज से लिया गया है. इसके अलावा और जो काफी फीचर्स हैं वो सब भी बहुत सारे अलग अलग कंट्रीज से लिए गए हैं. जैसे कि हम कुछ देखते हैं, टेबल बना के हम देखते हैं कि कौन से फीचर्स कहाँ से लिए गए हैं. These are the sources and these are the features. सबसे पहले गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935. गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से फेडरल स्कीम ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन जो मतलब देर विल बी टू गवर्नमेंट्स, वन सेंटर एंड अनदर इज स्टेट. देन ऑफिस ऑफ द गवर्नर, जुडिशियरी, पब्लिक सर्विस कमीशन, एमरजेंसी प्रोविजंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन and the other administrative details these have been borrowed from the government of india act 1935. Then second british constitution also plays a very important role in the indian constitution kyunki hamare yahan pe pehle britain ka hi rule tha to bahut sare features humne british government se ya british constitution se liye gaye hain. These include the parliamentary form of government which is one of the most important features of the constitution. Then rule of law, legislative procedure, single citizenship, cabinet system, writs have also been borrowed from the Britain constitution, parliamentary privileges and bicameralism. Then the next is US constitution. America se we have taken fundamental rights, independence of judiciary, power of the judicial review, impeachment of president, removal of the Supreme Court and High Court judges and post of Vice President. Then next is Irish Constitution. Irish Constitution से जो main features हमने लिए हैं वो DPSPs लिए हैं and nomination of members to the Rajya Sabha and method of election of the President. Then the next is the Canadian Constitution. Canadian Constitution, the features that we have borrowed from the Constitution of Canada are federation with a strong center, vesting of residuary powers in the center, appointment of state governors and the advisory jurisdiction of the Supreme Court. Next is Australian Constitution. Australian Constitution, it has given features like concurrent list, freedom of trade, commerce and intercourse, and joint sitting of the two houses of parliament to the Indian constitution. Next is Weimar constitution of Germany. Suspension of fundamental rights during emergency is one of the most unique features which we have borrowed from the German constitution. Then Russia or the Soviet constitution. From here we have taken fundamental duties and the ideals of justice, सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल जस्टिस इन द प्रीएम्बल. जो भी हम प्रीएम्बल पढ़ेंगे तो विल सी. नेक्स्ट इज फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन. रिपब्लिक एंड द आइडियाज ऑफ लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी इन द प्रीएम्बल हैव बीन बोरोड फ्रॉम द फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन. नेक्स्ट इज साउथ अफ्रीका. साउथ अफ्रीका प्रोसीजर फॉर अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड Election of the members of Rajya Sabha has been taken from the South African Constitution. Then the last is Japanese. From Japanese Constitution, we have taken procedure established by law. So we have seen how the Constitution of India has been drawn from various sources across the world, which makes it one of the most lengthiest constitution. Then the next feature of Indian constitution is blend of rigidity and flexibility.
लास्ट क्लास में व्हेन वी आर स्टडिंग अमेंडमेंट टू द कॉन्स्टिट्यूशन तो हमने देखा था कि हाउ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज अ मिक्स्ड फॉर्म ऑफ रिजिड एज वेल एज फ्लेक्सिबल फीचर्स. ऐसा नहीं है जो कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने दे हैव नॉट मेड कॉन्स्टिट्यूशन सच रिजिड कि व्हेनेवर देयर इज अ नीड फॉर अमेंडमेंट इट कैन नॉट बी अमेंडेड. And at the same time, they have not made it so much flexible that whenever the parliament wants it to amend, it can amend it so easily. The features have been categorized into two main forms. Those features which are easy to amend, and the second are those features which are quite difficult to amend or which require a higher majority in the parliament to be amended. So in Indian constitution, we can say is neither rigid nor flexible, but it is a combination of both rigid as well as flexible constitution. Article 368, which discusses about amendment to the constitution, is of utmost importance. It says there are some provisions of the Indian constitution which can be amended by a simple majority. Jaisa ki humne dekha tha, it was article 2, 3, 4, then 169, then amendments to the second schedule of the constitution. Then the second kind of majority it discusses is special majority of the parliament, which is needed to amend fundamental rights and directive principles of state policy. Then the next majority is special majority with ratification by half of the states. It is needed to amend features like election of the president, distribution of executive powers between union, powers of Supreme Court and High Court. So, some provisions of the Indian constitution can be amended by the simple majority, while there are some features which require special majority to be amended. So, this was the third important features of Indian constitution, that it is both flexible as well as rigid. And the next feature is federal with unitary bias. The Constitution of India, though it establishes India to be a federal system of government, it has many features of federal system. Like federal system mein kya hota hai? It has two governments, jise ki center governments and state governments. Then the division of powers. We have written constitution, supremacy of the constitution means constitution is supreme. Rigidity of the constitution, which means it is quite difficult to be amended. Independent judiciary and bicameralism. All these features which are seen in Indian constitution make it a federal constitution. However, at the same time, there were some features which make it a unitary constitution. Like those features are a strong center, single constitution, single citizenship, flexibility of the constitution, integrated judiciary, appointment of the state governor by the center, all India services, emergency provisions, and so on. All these features show that it is a unitary constitution. So, hum dekhte hain ki federal or यूनिटरी दोनों काइंड के जो फीचर्स हैं वो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में है. तो कॉन्स्टिट्यूशन ने ऐसा प्रोविजन रखा है कि व्हेनेवर देयर इज अ नीड द कॉन्स्टिट्यूशन बिकम यूनिटरी इन नेचर. मोरओवर वी सी द वर्ड फेडरेशन हैज नोवेयर बीन यूज्ड इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. आर्टिकल 1 जो डिस्क्राइब करता है यूनियन ऑफ इंडिया, इट सेज इंडिया इज अ यूनियन ऑफ स्टेट्स. इट डजंट से कि इंडिया इज अ फेडरेशन, राइट? बट सो बहुत सारे जो स्टडियर्स हैं उन्होंने कहा है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज फेडरल इन फॉर्म, जहाँ पे मतलब फेडरल फीचर्स हैं. टू फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर्स हैं बिटवीन स्टेट्स एंड सेंटर. वी हैव रिटन कॉन्स्टिट्यूशन बट इट इज यूनिटरी इन स्पिरिट. दैट मीन्स जब भी जरूरत होती है, एमरजेंसी प्रोविजन है या कुछ ऐसे कंडीशन है, वी नीड अ स्ट्रॉन्ग सेंटर, तो इट प्रोवाइड्स फॉर अ यूनिटरी features also. Okay, so this was about the feature federal system with unitary bias. The next important feature is parliamentary form of government. There are two main forms of government
पार्लियामेंट्री फॉर्म एंड प्रेसिडेंशियल पार्लियामेंट्री एंड प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट. इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज ऑप्टेड फॉर द पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट रादर देन द अमेरिकन प्रेसिडेंशियल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट. The parliamentary form of government is based on the principle of cooperation and coordination between the legislative and executive organs, while the presidential form of government is based on the doctrine of clear-cut separation of powers between the two organs of the government. So, हमने parliamentary form of government को इसलिए choose किया है because we consider accountability in India to be more important then the separation of powers. जैसे कि the जो government है India में that is accountable to the lower house, that is Lok Sabha. So in India we have chosen parliamentary form of government. This feature has been borrowed from the Britain. Britain में भी parliamentary form of government exist करते हैं. That is why the Indian parliamentary form of government is known as Westminster government. Westminster is a place where the British parliament is located. This parliamentary form of government is more responsible government. The constitution establishes its parliamentary form of government not only in the center but also in the states. So we'll see the features of parliamentary form of government in India. Features of parliamentary government. The first feature is presence of nominal and real executive. Presence of nominal and real executive. We see in India that we have nominal and a real executive. That is Prime Minister and the President. One of them is the real executive who executes everything in the country and the other is nominal head. So we have two executives. Then the second features of the parliament form of government is majority party rule. The party which wins election rules the country, majority rule, right? Then the next form of parliamentary form of government is collective responsibility of the executive to center. That is what I was talking about, means accountability, collective responsibility of the executive. जो गवर्नमेंट है दैट इज रिस्पॉन्सिबल टू द लोअर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट दैट इज लोकसभा. देन मेंबरशिप ऑफ मिनिस्टर्स इन द लेजिस्लेचर. लेजिस्लेचर में मिनिस्टर जो मिनिस्टर्स हैं उनकी मेंबरशिप होनी चाहिए हाउस की. दो कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा फीचर्स दिया गया है कि कोई भी आदमी 6 महीने तक विदाउट बींग अ मेंबर ऑफ द हाउस ही कैन बी अ मिनिस्टर, बट आफ्टर 6 months ही नीड्स टू बी अ मेंबर ऑफ द हाउस. Otherwise, he'll lose his ministerial powers. Then the next feature is leadership of the PM. Leadership of the PM. PM is the head of the government. He leads the country. Or similarly, in the states, it is the leadership of the chief ministers. Then dissolution of the Lok Sabha or the lower house. It is also an important feature of the parliamentary form of government in India. इवन दो हम देखते हैं कि जो मैंने भी आपको बताया था कि इंडियन जो फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है दैट इज बेस्ड लार्जली ऑन द ब्रिटेन पैटर्न, बट देयर आर टू मेन डिफरेंसेस व्हिच एग्जिस्ट इन इंडियन पार्लियामेंट्री सिस्टम जो ब्रिटेन पार्लियामेंट्री सिस्टम में नहीं मिलते हैं. फॉर एग्जाम्पल, इंडियन पार्लियामेंट इज नॉट अ सॉवरन बॉडी लाइक ब्रिटिश पार्लियामेंट. इंडियन पार्लियामेंट एक ब्रिटेन का जो पार्लियामेंट है उसकी तरह एक सॉवरन बॉडी नहीं है. ब्रिटेन का पार्लियामेंट इज अ सॉवरन, जो पार्लियामेंट कह देता है वही होता है, दैट इज कॉन्स्टिट्यूशन, बट इंडिया में ऐसा नहीं है. सेकेंड, द इंडियन और जो ब्रिटेन फॉर्म ऑफ पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट में डिफरेंस है वो ये है कि जो ब्रिटेन इंडिया में है जो रिपब्लिक है, रिपब्लिक मीन्स द हेड ऑफ द स्टेट विच इज द प्रेजिडेंट इन इंडिया, दैट इज एन इलेक्टेड, वाइल द ब्रिटेन हैज एन हेरिडेटरी हेड. ब्रिटेन में अभी भी मोनार्की है, जो एक हेरिडेटरी हेड है वो रिपब्लिक बनाया जाता है, लेकिन इंडिया में इलेक्टेड है. सो दीज टू फीचर्स मेक इट डिफरेंट फ्रॉम द ब्रिटेन पार्लियामेंट्री सिस्टम. ओके, द नेक्स्ट फीचर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज सिंथेसिस ऑफ पार्लियामेंट्री
पार्लियामेंट्री सोवरेनिटी एंड जुडिशियल सुप्रीमेसी। इंडिया का जो पार्लियामेंट है दैट इज सॉवरन कॉन्स्टिट्यूएंट, और जुडिशियल सुप्रीमेसी है इंडिया में, इट इज ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट फीचर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ये जो पार्लियामेंट्री सॉवरनिटी का फीचर है ये दिस वी हैव बोरोड फ्रॉम द ब्रिटेन, और जुडिशियल सुप्रीमेसी का जो फीचर है वो हमने अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन या अमेरिकन सुप्रीम कोर्ट से लिया गया है। और जैसे इंडियन पार्लियामेंट्री सिस्टम वो ब्रिटिश पार्लियामेंट्री सिस्टम से दो फॉर्म्स में डिफर करता था जिसमें मैंने आपको अभी बताया था, ऐसे ही जो जुडिशियल सुप्रीमेसी इंडिया की और यूएस की है वो भी डिफरेंट करती है। इंडिया में जो जुडिशियल रिव्यू है, जो मतलब सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट को जुडिशियल रिव्यू की पावर दी गई है, उसका जो स्कोप है दैट इज लेसर देन व्हाट इट इज इन यूएस, बिकॉज अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन है वो दैट प्रोवाइड्स फॉर द ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ, व्हाइल द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अंडर आर्टिकल 21 इट प्रोवाइड्स फॉर द प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ। ये हम फंडामेंटल राइट्स डिस्कस करेंगे तो हम देखेंगे कि इन दो वर्ड्स में ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ एंड प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ में क्या डिफरेंस है। सो द नेक्स्ट फीचर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज इंटीग्रेटेड एंड इंडिपेंडेंट जुडिशियरी, इंटीग्रेटेड एंड इंडिपेंडेंट इंडिपेंडेंट जुडिशियरी। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एक जुडिशियल सिस्टम प्रोवाइड करता है दैट इज बोथ इंटीग्रेटेड एज वेल एज इंडिपेंडेंट। इंटीग्रेटेड मीन सुप्रीम कोर्ट स्टैंड्स एट द टॉप ऑफ दैट हायरार्की, बिलो द सुप्रीम कोर्ट देयर हाई कोर्ट्स इन द स्टेट, बिलो हाई कोर्ट्स वी हैव डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स एंड द अदर लोअर कोर्ट्स। सो जो जुडिशियल सिस्टम है वो एक इंटीग्रेटेड है, दैट इज अ थ्री टायर स्ट्रक्चर इन इंडिया। एंड इंडिपेंडेंट जुडिशियरी मीन्स द जुडिशियरी इज इंडिपेंडेंट। कॉन्स्टिट्यूशन ने बहुत सारे प्रोविजंस दिए गए हैं टू इंश्योर दैट द जुडिशियरी रिमेन इंडिपेंडेंट फ्रॉम द अदर ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट। दैट मीन्स सिक्योरिटी ऑफ द टेन्योर ऑफ द जजेस, जो सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के जुडिशियरी के जो जजेस हैं उनको उनकी पोजिशन से रिमूव करना इज नॉट ईजी। यू हैव टू गेट द मोशन पास थ्रू स्पेशल मेजोरिटी, देन दे हैव फिक्स सर्विस कंडीशंस फॉर ऑल द जजेस, एंड ऑल द एक्सपेंसिस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट आर चार्ज्ड ऑन द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। दिस फीचर ऑल्सो इंश्योर्स दैट द जुडिशरी रिमेन्स इंडिपेंडेंट। जो इससे क्या होगा कि जो सुप्रीम कोर्ट के एक्सपेंसिस वो है दे आर नॉट सब्जेक्ट टू वोट बाय द पार्लियामेंट, और वो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से ड्रॉ किए जाएंगे। देर इज अ प्रोहिबिशन ऑन डिस्कशन ऑफ द कंडक्ट ऑफ जजेस इन द लेजिस्लेचर। लेजिस्लेचर में आप जजेस के कंडक्ट को डिस्कस नहीं कर सकते अंटिल अनलेस देयर इज एन प्रोसेस, देयर इज एन मोशन मोशन टू रिमूव दोस जजेस, और आप उसको डिस्कस नहीं कर सकते। देयर इज अ बैन ऑन प्रैक्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट जजेस आफ्टर रिटायरमेंट व्हिच इंश्योर्स कि जुडिशियरी इंडिपेंडेंट रहे। देयर इज अ पावर, सुप्रीम कोर्ट हैज गॉट अ पावर टू पनिश एनीबॉडी विद कंटेम्प्ट। आप सुप्रीम कोर्ट को फॉलो नहीं करते, उनके ऑर्डर को नहीं मानते, तो कोर्ट कैन चार्ज यू विद कंटेम्प्ट। Then the next separation of judiciary from the executive, all these features ensure ki we have independent judiciary. So this was the seventh salient feature of Indian constitution, which is integrated and independent judiciary. The next important feature is fundamental rights. Part 3 of the constitution provides fundamental rights to all citizens. There are mainly six main fundamental rights. फर्स्ट इज राइट टू इक्वालिटी, आर्टिकल 14-18 में जो दिया गया है। नेक्स्ट इज राइट टू फ्रीडम, आर्टिकल 19-22 में जो दिया गया है। देन राइट अगेंस्ट एक्सप्लोइटेशन 23 एंड 24, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन आर्टिकल 25 एंड 28, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स आर्टिकल 29 एंड 30, and next is right to constitutional remedies that is article 32. So fundamental rights ye Indian constitution mein diye gaye hain to ensure ki citizens mein equality bani rahe, everybody is given right to freedom of religion, right to freedom of speech and expression,
राइट टू मेंटेन देयर कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स बाय माइनॉरिटीज, इन सब को इंश्योर करने के लिए पार्ट 3 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, जो ये भी एक इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का यूनिक फीचर है. फंडामेंटल राइट्स को हम नेक्स्ट चैप्टर में डिस्कस करेंगे. देन द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज डीपीएसपीज, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी. डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी जो है वो हमने अभी डिस्कस किया था जब हमने कॉन्स्टिट्यूशन ड्रॉन फ्रॉम वेरियस सोर्सेज, कि दीज हैव बीन बोरोड फ्रॉम द आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन. आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से लिए गए हैं. इनको हम तीन फीचर्स में डिस्कस कर सकते हैं, सोशलिस्टिक, गांधियन एंड लिबरल इंटेलेक्चुअल. डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट कॉन्स्टिट्यूशन, दीज आर मेंट फॉर प्रमोटिंग आइडियल्स ऑफ सोशल एंड इकोनॉमिक डेमोक्रेसी इन इंडिया. देयर मेन एम इज टू इंश्योर अ वेलफेयर स्टेट इन इंडिया. लाइक और जो डीपीएसपीज हैं, फंडामेंटल राइट्स और डीपीएसपीज में एक मेजर डिफरेंस ये भी है कि फंडामेंटल राइट्स आर जस्टिसिएबल इन अ कोर्ट ऑफ लॉ. अगर आपका फंडामेंटल राइट वायलेट होता है तो यू कैन अप्रोच अ कोर्ट, बट डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स आर नॉट एनफोर्सेबल इन अ कोर्ट ऑफ लॉ. आप उनके वायलेट होने पर या तो आप कोर्ट को अप्रोच नहीं कर सकते. दिस इज अ मेजर डिफरेंस बिटवीन फंडामेंटल राइट्स एंड डीपीएसपीज इन इंडिया. Then the next important features is fundamental duties. It is also one of the important features of Indian Constitution. Fundamental duties. Originally, the Constitution enacted was our 1949 when the Constitution implemented was. So fundamental duties were not a part of the Indian Constitution. 42nd Amendment 1976 se fundamental duties ko incorporate kiya gaya based on the recommendations of स्वयं सिंह कमेटी. और 86 कॉन्स्टिट्यूट अमेंडमेंट एक्ट ने एक और फंडामेंटल ड्यूटी को इंक्रीज किया. ओरिजिनली देयर वर 10 ड्यूटीज, सो एट प्रेजेंट आफ्टर 86 अमेंडमेंट 2002 देयर आर 11 ड्यूटीज. फंडामेंटल ड्यूटीज पार्ट 4A में डिस्कस की गई हैं. हम अब डिस्कस करेंगे कि विच आर द फंडामेंटल ड्यूटीज और वेदर दे आर इन्फोर्सेबल इन अ कोर्ट ऑफ लॉ और एनी सिटीजन कैन बी punished if he violates any fundamental duties. Hum dekhenge. Then the next important feature of the Indian Constitution is secular state. The Constitution of India provides it to be a secular state. It states that the official religion of Indian state is being secular. So India is secular, which means ki सभी रिलीजियंस जो स्टेट में इक्वल है. और स्टेट शिल नॉट मेक एनी स्पेशल प्रोविजन जो किसी एक पर्टिकुलर रिलीजन को प्रमोट करता है. इंडियन कॉन्सेप्ट ऑफ सेकुलरिज्म इज डिफरेंट फ्रॉम द वेस्टर्न कॉन्सेप्ट ऑफ सेकुलरिज्म इन दिस सेंस कि जो वेस्ट में क्या है, वेस्ट कॉन्सेप्ट है सेकुलरिज्म का, वो कहता है कि स्टेट को मतलब रिलीजन से सेपरेट इन है. स्टेट मस्ट डिस्टिंग्विश इटसेल्फ फ्रॉम द रिलीजन, इट शुड नॉट इंटरफेयर इन रिलीजन. व्हाइल द इंडियन concept of secularism doesn't say so. It says ki state shall not interfere. State matlab aisa koi provision nahi karna kare jisse lagta hai ki state kisi ek particular religion ko promote karne ki koshish kar raha hai. So there is a difference between Indian and Western concept of secularism. Though the word secular was added to the Indian Constitution by 42nd Amendment 1976 mein, ये प्रीएम्बल में जोड़ा गया, लेकिन इससे पहले भी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत सारे ऐसे प्रोविजंस थे विच शोज कि इंडिया इज अ सेकुलर स्टेट. लाइक आर्टिकल 25 विच सेज कि एवरीबॉडी हैज अ राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन. आपको पास अपना राइट है कि आप अपना जो रिलीजन है जिस तरीके से आप प्रोपोगेट करना चाहते हैं या प्रोफेस करना चाहते हैं आप कर सकते हैं. देन आर्टिकल 28 विच सेज कि स्टेट shall not, no religious instruction shall be provided in any educational institution maintained by the state. Or article 26 or 27 ki no person should be compelled to pay any tax for the promotion of particular religion. Ye sab articles bahut starting se ensure karte hain ki India remains a secular state. So being secular is another important unique feature of the Indian Constitution. Then the next feature is universal adult franchise. यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज मीन्स कॉन्स्टिट्यूशन ने पावर दी है जो भी लोग इंडिया में 18 ईयर्स ऑफ एज हैं वो दे कैन वोट टू द इलेक्शंस ऑफ लोकसभा एंड स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली.
इट वॉज अब पावर ये डेमोक्रेसी के लिए हमें यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज की पावर कॉन्स्टिट्यूशन ने दी है. इस पावर की वजह से जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है that is made more democracy based. It enhances the self-respect and prestige of the common principle. It gives a right to the people to participate in the process of forming a government. लोग इलेक्ट करेंगे कि किस तरीके की वो गवर्नमेंट चाहते हैं, वो किस तरीके के वो रिप्रेजेंटेटिव चाहते हैं जो उनको रिप्रेजेंट करें. The next important feature is single citizenship. Citizenship. इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने सिंगल सिटीजनशिप के प्रोविजन को प्रोवाइड किया है रादर देन ड्यूअल सिटीजनशिप लाइक द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ यूएस. ये हमने जब हम डिस्कस कर रहे थे कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन किन किन कंट्रीज के कॉन्स्टिट्यूशन से बोरो किया गया है, तब मैंने आपको बताया था जो सिंगल सिटीजनशिप का फीचर है वो हमने ब्रिटेन से बोरो किया है. सो इंडिया प्रोवाइड्स फॉर अ सिंगल सिटीजनशिप. यूएस की तरह नहीं है जहाँ पे यूएस में क्या है ड्यूअल सिटीजनशिप है, जो भी सिटीजन है वो एक यूएस का सिटीजन है और जिस स्टेट में रहता है उस स्टेट का भी सिटीजन है, लेकिन इंडिया में सिंगल सिटीजनशिप का प्रोविजन दिया गया है. द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज इंडिपेंडेंट बॉडीज. कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत सारी इंडिपेंडेंट बॉडीज दी गई हैं टू एडमिनिस्टर एंड फॉर गवर्नेंस ऑफ द कंट्रीज. इंडिपेंडेंट बॉडीज इनके अंडर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, CAG का ऑफिस, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन, जो सब एग्जामिनेशन कंडक्ट किए गए हैं, बहुत सारे इस तरीके की इंडिपेंडेंट बॉडीज कॉन्स्टिट्यूशन में दी गई हैं. नेक्स्ट इंपॉर्टेंट यूनिक फीचर इज इमरजेंसी प्रोविजंस. कॉन्स्टिट्यूशन में इमरजेंसी के लिए भी कुछ प्रोविजंस दिए गए हैं. तीन टाइप की इमरजेंसीज कॉन्स्टिट्यूशन में डिस्कस की गई है, नेशनल इमरजेंसी, देन द स्टेट और द कॉन्स्टिट्यूशनल इमरजेंसी एंड द नेक्स्ट इज फाइनेंशियल इमरजेंसी. हम इमरजेंसी के चैप्टर्स में देखेंगे कि क्या क्या इमरजेंसी प्रोविजंस कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोवाइड किए गए हैं. देन द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फीचर इज थ्री टायर ऑफ गवर्नमेंट. पहले टू टायर्स ऑफ गवर्नमेंट थी, स्टेट एंड द सेंटर, लेकिन आफ्टर 73rd एंड द 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1990 देयर आर थ्री टायर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन इंडिया which also makes it one of the important features of Indian Constitution. So these were some of the most salient features of the Indian Constitution. Thank you.